सादकीन बाबा से बुलंद सलावा नहायत वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर जनाबे ज़ाकिर अहले बैत हबीब रज़ा हैदरी सर मौला जिंदगी दराज फरमाए नाल भेरावा दे मौला आबादो शाद रखे हाजदीन मुनाफिकीन हर शरे शैतान तो मौला महफूज रखे हर जाकिर हर अजादार दी मौला हिफाजत फरमावे। मैं क्योंकि मेरे भाई आगे 25-30 मिनट की हाजिरी ज़्यादा नहीं मजलिस मुनसलिक है शहीद आज़म सरकारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल। कौन हुसैन तुहाडी नज़र जुमला कौन है नवासा रसूल जो मोहम्मद जैसे नबी के सजदे की उम्र तवील कर दे और अल्लाह की शरीयत में फ़र्क ना आए उसे हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन तो सलामत रखे। कौन हुसैन मैं कह जो मोहम्मद जैसे नबी के सजदे की उम्र तवील कर दे और अल्लाह की शरीयत में फ़र्क ना आए उसे हुसैन कहते हैं। कौन हुसैन फिर तोड़ी रहो जिसके लिए हिजाबुल्ला और वजहुल्ला दुआएं करें उसको हुसैन कहते हैं। आया नहाय शुक्रिया सर नहाय शुक्रिया भैया इमाम हुसैन तो हम सलामत रहते हैं। जिसके लिए हिजाबुल्ला और वजहुल्ला दुआएं करें उसको हुसैन कहते हैं। पिछलिया शेर लाया अगे मैं दोवी 17 भाई हबीब की झोली च पाइया मैं जेने इंज इंज करे तुहाड़ी नज़र कर लगा जी। कौन है नवासे रसूल जो खाक जैसी हकीर चीज को शिफा बना दे। अल्लाह अकबर उसे हुसैन कहते हैं। किबला फुतरस अल्लाह का सजा याफ्ता मुजरम था ऐसे ही बात है सरकार अल्लाह ने फुतरस के पर जला दिए थे। मैं करीमी हुसैन दसा लगा कौन हुसैन कौन नवासे रसूल कौर फरजंदे बतूल जो अल्लाह के सजा याफ्ता मुजरम को अल्लाह से माफी दिला दे उसे हुसैन कहते हैं। हबीब भाई यजीदियत और हुसैनियत का तकाबुल किवें हो सकता है इत्थे तेरा बोलना एहतजाज ही
यजीदियत और हुसैनियत का तकाबुल कैसे हो सकता है? माँ फजूल हो तो यजीद बनता है, माँ बतूल हो तो हुसैन बनता है। अल्लाह अकबर। चलो डायरी बंद करके मैं एक कसीदा जनाब सुनाऊँ। पहले डायरी खोलिए, मैं क्या हूँ बंद करिए सुन। है बंदगी की जिंदगी आना हुसैन का, सजदों में मांगता रहा नाना हुसैन का। चढ़ाई साहब खुदा दी कसमें सवेर दा थक्का मजमा लेकिन लुत्फ आ रहा पढ़न दा, महसूस नहीं हो रहा कि सुबह दी मजलिस शुरू हुई, यही लग रहा मजलिस हूँ शुरू हुई है। सजदों में मांगता रहा। हबीब भाई शराजी साहब जरा कैमरा घुमाना, बंदा शिया होवे सुन्नी होवे सिर लावेगा जचेगा नहीं। सजदों में मांगता रहा जफर शाह जी नाना हुसैन का, सजदों में मांगता रहा नाना हुसैन का। खंजर चला हुसैन पे और मर गया यजीद, केड़ा शिया जरा हाथ ले रहेगा। अभी भाई ये हाथ हो आपके मेरे लिए भाई से फखर, इमाम हुसैन अलैहि सलाम सलामत रखे जड़े हाथ चौदह दी खैरात हो। अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। खंजर चला हुसैन पे और मर गया यजीद, खंजर चला हुसैन पे और मर सर रहा जिंदा हुसैन का। हसन भाई नहाय शुक्रिया, नहाय शुक्रिया हसन भाई। इमाम हुसैन चले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन तो उन्होंने इस अजर अजीम अता फरमाए। एक शेर होर पढ़ दे। वहाँ कुछ शरपसंद लोगों ने पिछले दिनों आख्या जी शियों की अजान में अलीन वलीउल्लाह दहशत गर्दी, कलमे में अलीन वलीउल्लाह दहशत गर्दी। हनीफ अपना तहरा शर्फी जड़े मजहबी अमूर दे साहिब वजीर भी ने उन्हें आख्या, उन्होंने सोशल मीडिया उन्हें आख्या जिन्होंने शियों की अजान में अलीन वलीउल्लाह को दहशत गर्दी कहा है, कलमे में अलीन वलीउल्लाह को दहशत गर्दी कहा है, वो खुद सबसे बड़े दहशत गर्द हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर है जो हुई है। मैं तहरा शर्फी साहब नूं मूसा दुगल एडा वड्डा इस्तमा मैं सलाम पेश कर रहा, जिन्हें गल की दहशत गर्दी उन्हें लोगों के पास मुखातब होकर मुंजर में दी कि गल की आई नामे अलीन का कैसे अजान से, शुक्रिया भाई। अकबर आजा मेरा बेटा हुसैन का, सजदों में मांगता रहा नाना हुसैन का। अच्छा ए
मैं कसीदा अपनी मर्जी नाल पढ़िया तो उन्होंने चेक करना से एक कसीदा पूरे पंडाल दे शराई साहब हुक्म दी तामीन लाल सरकारे हुज्जत दे दौरां दा मैं गड्डी चो उतरे पता नहीं कोई दस बारह बंदे जो तो बारह बंदे हो गए ज़फर शाह जी मैं आख्या हूँ कसीदा पढ़ना वाजब नहीं तो मैं अज नत ही पढ़निया सन लेकिन चलो आजादारा दे दिल आजारी ना हो मैं एक दो शेर चलो भी पढ़ देंगे सरकार सरकारों भी पढ़ देंगे वो भी चलो जनाब पढ़ देंगे अच्छा हाजिर जनाब हाजिर चलो पहले इमामे जमाना पढ़ लीजिए ए चन तारे आसमान जमीन है जाते तेरा जलवा है हर शै विच तू दस क्यों मेरे तो पर्दा है माशाल्लाह दस क्यों मेरे तो पर्दा है किथे ले जाइए जे आ जावे तू सामने ते तेरा काबे तख्त सजावांगा पिछलिया सेरा लाया इमाम हुसैन आप तो सलामत है दस क्यों मेरे तो पर्दा दस क्यों मेरे तो पर्दा है जे आ जावे तू सामने ते तेरा काबे तख्त सजावांगा एक झलक विखा दे जे मैनू मैं शौक दे विच मर जा ये बात है अच्छा ये है गुजरांवाला अल्लाह अकबर अल्लाह एक झलक विखा दे जे मैनू अभी भाई मैं इन्हां नू अरशां ते लैके चला एक झलक जी तुहाडी खैर हो सर आजादार जिंदाबाद जी मातमी जिंदाबाद हुसैन दे जाकिर जिंदाबाद एक झलक विखा दे जे मैनू मैं शौक दे विच मर जावांगा जे मुख तों पर्दा हटा देवे तेरा नूर दरन छा जावे तेनू वेखण लई आसमाना तो ही सारी जमीन ते आ जा अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह जी ओए सूरज शर्मा जावे चन जहरा डाया जावे ए रब्बा बसी यो है दुआ आमीन या रब्बुल आलमीन तेरी गैबत हुण मुक जावे तेनू काबा भी झुक जावे ए रब्बा
ਵਸੀਓ ਹੈ ਦੁਆ। 14 ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਖੜਾ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੇ ਹੁਜਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैनू मौला की कसम है, मैं 14 की कचहरी में खड़ा हूं, जिसने ऐसे किया सरकारें कायम जाने और वो जाने। ओए होए होए, अजमत इमाम जमाना, तू ऐसा कुरान है मौला मेरे, तेरा अल्लाह बनकारी जावे। आए हाय हाय, तू ऐसा कुरान है मौला मेरे, तेरा अल्लाह बनकारी जावे। तेरे हुस्न दी गल मैं क्या दसां, यूसुफ सदके वारी जावे। फिर सूरज शर्मा जावे, चन जहरा दाया जावे। ए रब्बा बसियों है दुआ। क्या खूबसूरत लाइन है, सानू महदी दीदी दुहवे, हर सुबह साड़ी दुहवे। रब्बा बसियों है दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक सरकारे हुज्जत दौरान दी अजमत, ऐसी सलवात पढ़ो जैसे मलाइका सलवात पढ़ते। तुसी मैनू आख्या सरकार एक नाते रसूल मकबूल भी पढ़नी है, अज फिर मैं जड़ी नात सुनान लगा ना। अभी भाई मैं सरकारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस मिलाद का सदका, इस जिक्र का सदका अल्लाह दोवें भाइयों नूं कामयाबी कामरानी अता फरमाए। सरकारे रसूल अल्लाह दी जेड़ी कमली ओढ़दे सन, मैं उस कमली दे फजाइल पढ़न लगा। ज़फर शाह जी, एक नवीं गल है, मैं तो नहीं सुनी अभी भाई, तुसीं पहले सुनी कसीदा किसे को नहीं सुनिया, बस ये हुण तस्दीक हो गई जे पहली बारी मिंबर तो सरकारे रसूल अल्लाह दी काली कमली दे फजाइल कसीदे दी शक्ल च तुहाड़ी झोली च पाण लगा। आयतों का भी मुअल्ला है नबी की कमली, ढिला ढिला बैठा थे। मुल पा छड़े, फरमाइश का मुल पा छड़े जे। आयतों का भी मुअल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुअल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुअल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुअल्ला है नबी की कमली। तू सिर लाया मेरा दिल दुखेगा। सारी उम्मत ले जिसे अपनी शिवात समझा, फातिमा का व मुसल्ला है नबी की कमली, फातिमा का। होय होय होय, अल्लाह अकबर अल्लाह। मौला दी कसम मुल पा छड़िया जे, 14 दी कसम अभी भाई मुल पा छड़िया। अल्लाह बीबी तुहानू सलामत। आहा,
आयतों का भी मुल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुल्ला है नबी की कमली, आयतों का भी मुल्ला। हाँ जी भाई, तुम करो। हाँ ठीक हो ए जनाब, इत जी मर्जी तुसी हो, बरामदगी की टेंशन ना लो, तुसी पिछे जाके बवो। आए तो ओए होए होए, शेर आ गया, मौला दी कसम लम्मे सरा सानी छोड़ दिता है। आओ तुहानू काली कमली दे फजाइल सुनावा। कभी ये हसन पे सजी, कभी शबीर पे थी, कभी ये हसन पे सजी, कभी शबीर पे थी, ओड़ी सहरा ने कभी कभी हैदर पे दिखी, ओड़ी सहरा ने कभी कभी हैदर पे दिखी, खैर मासूम से रहती थी पर ये कमली, यानी पंज तह का मोहल्ला है नबी की कमली। अल्लाह इंज नहीं, इंज नहीं, पूरा मूसा दुगल गूंजे, एक बारी फिर कलंदर का नारा लवा। सारे बोल, अजे भी नहीं, एक बारी फिर लवा, पिछले इंज इंज किया। तू काला सूट पाया तो मैं काली कमली रसूल अल्लाह दी काली कमली दे फजाइल पाड़िया। तू बंदा वेखना जड़ा इंज करेगा, सिर उठाओ हलालियो। काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, आया हाय हाय, केड़ा शिया जदा हाथ, इंज मजा नहीं हूं। एक बारी खलोएगा तो फिर मजा ही है। सदके जावा, सिर उठाओ हलालियो। तू बंदा वेखना जरा इंज करेगा, सिर उठाओ हलालियो। काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, इसी कमली से बना घासी ये तेरा आलम। हाय हाय हाय, कौन शिया जिसका हाथ नीचे रह गया। ये बात है सरकार, सरकार ये बात है, कौन शिया जिसका हाथ नीचे रह गया। अल्लाह, ऐसे नहीं, पूरा मूसा दुगल गूंजे, बोला बोला अली लाल खालंदर। जिंदगी दराज इमाम, जिंदगी दराज भाई जी। काले रंग की ये बनी, जफर शाह तेरा नारा नहीं आ रहा अजे तक। काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, काले रंग की ये बनी। अजे ते मैं शेर मुकम्मल करना है, तू पहले ही बह गए। इंज नहीं, फिर इंज नहीं, तू फस गए नारा लो आके अज। सदके जावा, सिर हाथ खोल, मैं ना तो हाथ खोल के। काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, काले रंग की ये बनी जिस पे है लोह कलम, इसी कमली से बना घासी तेरा आलम। काले रंग का है मुसलमानों की लाफे काबा, हाँ अली की ये भी शिया है नबी की कमली। सुनी जिसका हाथ नीचे रह गया, हाथ उठाओ। है दर, है दर। नारे तकबीर, नहीं 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 नहीं, पीर समीशा
ਤੇ ਪੀਰ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਗਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਗਾ। ਸਿਰ ਉਠਾਓ ਹਲਾਲੀਓ, ਬੋਲੇ ਯੇ ਅਭੀ ਬੇਖੁਦਾ ਮੁਝੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਦੋਰੀਦਾ, ਕਮਲੀ ਕੋਈ ਜਾ ਬੁਲਨ ਕਾਬੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੀ ਜਾ ਬੇ ਖਦੀਜਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਕਮਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਮਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਮਲੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਾਇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਅਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਸੈਦ ਆਇਨ, ਸੈਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਸਤਕਬਾਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਸਲੇ ਕਰੀ ਸਾਦਾ ਕਾਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਤਬਸਮ ਬਿਖਰਾ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤੇ, ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਮੈਨੇ ਕਿਉਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਯੇ ਸ਼ਾਨ ਆਪ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੈਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਔਜਬ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ, ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਮੈਨੇ ਕਿਉਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾ ਕੇ ਹੈ ਫਜ਼ਾਏ ਹੈ ਫਰੀਸ਼ੇ ਯਾ ਹਸਾਏ, ਜ਼ਹਿਰਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਅਮਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਦਰਪਨ ਅਦਬ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਵਾਰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਆਜ ਕੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂਬਰ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਚਿੱਟੀ ਸੈਦਾ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਖੱਲੋ ਸਮੇਤ ਔਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਗੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਫਾਰਮ ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏਗੇ। 14 ਜਨਵਰੀ ਚੱਕ ਮੁਗਲ